हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सप्ताह में 3 दिन टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को ये 3 क्लासेस आप लोगों की प्री क्विज अभ्यास की होती है। ठीक है, ये क्लास हमारे यूपीएससी हिंदी का एक फ्री इनिशिएटिव है। 2023 और आने वाले वर्षों में जो भी व्यक्ति जो भी दोस्त हमारे प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट हो सकती है। उसका मैं कुछ कारण आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली बात आप लोगों को प्रिपरेशन अपने एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लासेस चल रही है दोस्तों, इस क्लासेस के लिए मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है उसके शेड्यूल को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा 3 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट होने वाला है जहां पर 3 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं। एक है आपका प्राचीन भारत, एक है आपका कला और संस्कृति, एक है आपका मध्यकालीन भारत। इन्हीं 3 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा ये पीपीटी बनाया हुआ है और हमने जो क्लासेस की है, और 3 जुलाई तक जो भी हम यहाँ पे क्लासेस करेंगे वो सभी क्लासेस में इन्हीं 3 टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए, उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने करूंगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्लास यूपीएससी पीसीएस बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस कोई भी पीसीएस हो उन्हें सबके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो हर एग्जाम से मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, और प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, आपको चीजों को समझाता है, याद कराता है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो 3 जुलाई तक हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। 3 जुलाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला वो है 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई के लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन होगा उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम यहाँ पर से, शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए पहला प्रश्न दोस्तों है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहां पर स्थित था। ये प्रश्न है, 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया है। एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक है राजस्थान, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। ये 4 विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। उससे पहले एक बेसिक पॉइंट को समझिएगा, जब किसी भी प्रश्न को आप देखिए तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये प्रश्न सिलेबस के किस पॉइंट से आया हुआ है। ठीक है, इससे आपका एक सिलेबस जो पाठ्यक्रम की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, समझिएगा, ये प्रश्न आपका महाजनपद के टॉपिक से लिया गया है, और अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो एंशियंट इंडिया में प्राचीन भारत में जो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं उनमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, फिर आता आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका आता है कि वैदिक युग, फिर आता महाजनपद काल, फिर आपका आता संगम काल। तो ये पूरा क्रम यहाँ पर फॉलो होता है। इससे पहले हमने एक क्लास में प्रागैतिहासिक काल पर एक क्वेश्चन को देखा था जहां पर मैंने उस क्वेश्चन के माध्यम से काल का डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है इतिहास में उसको मैंने वहां पर आप लोगों को समझाया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कई क्वेश्चंस को हमने इससे पहले देखा हुआ है, और आज ये जो क्वेश्चन आया दोस्तों ये महाजनपद का प्रश्न है। तो महाजनपद करीब 600 बीसी में, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में आपको महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है, और उस टाइम पे करीब 16 महाजनपदों की चर्चा यहाँ पर आप लोगों के सामने होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट समझिएगा, जो महाजनपद है दोस्तों, ठीक है, ये महाजनपद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत की भूमि पर सेकेंड अर्बनाइजेशन की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो पहला शहरीकरण एक था हमारे भारत भूमि पर, और ये जो था महाजनपद ये सेकेंड शहरीकरण इसको माना जाता है। ठीक है, तो 600 बीसी में 16 महाजनपद की चर्चा हमको देखने को मिलती है। यहां पर जो प्रश्न है वो प्रश्न है मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद क्या है दोस्तों, तो आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी महाभारत काल में जो एक कहानी थी कि पांडव जो थे जब वो 12 वर्ष वनवास करते हैं और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करते हैं, तो अज्ञातवास के समय वो जहां पर रहते हैं उसका नाम क्या था, उसका नाम था विराट नगर। ठीक है, विराट नगर, और ये विराट नगर इसी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, कैपिटल था। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद क्या है, वो आपका राजस्थान में अवस्थित एक क्षेत्र था। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराट नगर, और इसी विराट नगर में पांडवों ने अपने छद्म वेश धारण करके राजा सुशर्मा और कौरवों के विरुद्ध राजा कीचक की तरफ से एक युद्ध को लड़ा था। ठीक है, ये एक पांडवों की कहानी है, महाभारत आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, मैंने उस कहानी को यहाँ पर आप लोगों के सामने लिंक कर दिया। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक पॉइंट आप समझिएगा, महाजनपद के संदर्भ में आप लोगों को 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरे महाजनपद का जो पोर्शन होता है दोस्तों इसके संदर्भ में आप लोग 3 पॉइंट बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं 3 पॉइंट से बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं प्रश्न, देखिएगा, पहला बन सकता है कि महाजनपद कितने थे। ठीक है, तो आप तो पहले 16वां महाजनपद का नाम याद रखिएगा। दूसरी काम आप लोगों को करना है कि उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। ठीक है, जैसे कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर, तो एक ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग,
उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान में ये कहां पर अवस्थित है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न वर्तमान की उसकी लोकेशन के संदर्भ में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो काम करना है महाजनपद के संदर्भ में, महाजनपद इसके संदर्भ में हम लोग को ये तीन कॉलम बनाने हैं, तीनों कॉलम में 16 महाजनपद का नाम नोट करना है, उनकी राजधानी क्या थी वो नोट करना है, और वर्तमान में कहां लोकेट है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न बन सकता है इस पूरे टॉपिक से, वो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद पूरे प्रिपरेशन के टाइम में आपको इस संदर्भ में जितने भी प्रश्न बने, महाजनपद के संदर्भ में जितने भी आपको नए फैक्ट पता चले, आप वहीं पर उसको शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड करते चलिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मानिए आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि महाजनपदों में सबसे नॉर्थ में कौन सा महाजनपद है, सबसे साउथ में कौन सा महाजनपद है, सबसे ईस्ट में कौन सा महाजनपद है, ऐसे प्रश्न जनरली पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक मैप ऐड कर दिया, ठीक है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैप में सबसे नॉर्थ में क्या है, कंबोज, सबसे साउथ में क्या है, अशक, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों सबसे ईस्ट में क्या है, सबसे वेस्ट में क्या है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क आप लोग तुरंत बताइएगा कि महाजनपदों में सबसे वेस्ट में कौन सा महाजनपद है और सबसे ईस्ट में कौन सा महाजनपद था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अब अगर मैं इस प्रश्न पर वापस से आ जाऊं, तो ये प्रश्न था मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में, और मत्स्य महाजनपद कहां पर था, तो राजस्थान में अवस्थित है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि राजा अशोक के कुछ शिलालेख प्राप्त होते हैं, कौन सा शिलालेख, तो बैराट शिलालेख जो कि जयपुर में है, वो आपको इसी मत्स्य महाजनपद में प्राप्त होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा महाजनपद से एक प्रकार का और प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि इन महाजनपदों में कौन से ऐसे महाजनपद थे जो कि गणतंत्र थे, ठीक है, एक रिपब्लिक महाजनपद थे, इसका प्रश्न जनरली बन सकता है। तो आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, दो नाम ध्यान रखना है, एक वज्जी, ठीक है, जो कि वैशाली जिसकी राजधानी थी, और आप लोगों को ध्यान रखना है मल्ल, ठीक है, मल्ल महाजनपद जो कि हमारे कुशीनगर के बगल में है और उसकी राजधानी क्या थी, कुशीनारा। तो ये दोनों जो महाजनपद थे, ये एक रिपब्लिक महाजनपद थे, एक गणतंत्र महाजनपद थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से महाजनपद का जो पूरा टॉपिक हो दोस्तों, जब आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, उन पॉइंट को अगर आप रीड कर लोगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर एक साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों को अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो पीपीटी है दोस्तों, ये मैं आपको यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है हमारी, ठीक है, यूपीएससी हिंदी 4CS, ठीक है। इस लिंक से आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पर मैं इसकी पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में, ठीक है। मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, महाजनपद काल आता है, तो ये प्रश्न उत्तर वैदिक काल से लिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि द टर्म निस्क एंड द सतनाम ऑफन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड रेफर्स टू, ठीक है, निस्क और सतनाम ये जो शब्द है ये उत्तर वैदिक काल में किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर आप लोगों के सामने चार विकल्प है। कह रहा है राजा के द्वारा एकत्रित कर, फिर कह रहा है कि प्रधान को दिए जाने वाला स्वैच्छिक उपहार, फिर कह रहे हैं कि मुद्रा की इकाइयां, फिर कह रहे हैं शिल्पियों की श्रेणियां। ये चार विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। आप लोगों को ये बताना दोस्तों कि निस्क और शतनाम ये क्या थे, ठीक है। तो बहुत बेसिक प्रश्न है ये, लगता है मुझे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपीएससी के पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो निस्क क्या था दोस्तों, निस्क एक प्रकार का गोल्ड क्वाइन था, ठीक है, गोल्ड क्वाइन था, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि इस बार एक प्रश्न पूछा हुआ था फड़म, ठीक है, फड़म क्या है, ये प्रश्न आया था ना इस बार यूपीएससी के 2022 के प्रीलिम्स के पेपर में। इसी प्रकार से कई बार यूपीएससी और पीसीएस दोनों ही एंशियंट इंडिया से, मेडिवल इंडिया से कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कई ऐसे टर्म को देते हैं आप लोगों के सामने जो टर्म बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है। और मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ, वैसे टर्म आप लोगों को बिल्कुल याद करने पर फोकस नहीं होना है, आप लोगों को बस जनरल रीडिंग करनी है, ठीक है। आप जैसे मानिए ये प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है, तो इस टॉपिक को निस्क और सतनाम क्या है, इसको आप अपने नोटबुक में जहां पर भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे उन शॉर्ट नोट में ऐड करते चलो, ठीक है। एक काम मैं आप लोगों से और कहूंगा, इससे पहले कि दो क्लास में मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए ये बात मैंने आप लोगों को बताया था, तो जो भी दोस्त शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग शॉर्ट नोट्स अपना डिस्कशन ग्रुप पर अपलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या कमी है, इस शॉर्ट नोट्स को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए निस्क क्या था, निस्क एक प्रकार का गोल्ड क्वाइन था,
सतनाम भी इसी प्रकार से क्वाइन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि सेकंड का सी, मिश्क और शतनाम दोनों ही उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की करेंसी की एक प्रणाली थी, एक इकाई थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया सी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो बहुत बेसिक प्रश्न था, ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक है, अर्थात ये जो प्रयोग किया गया शब्दों का, ये प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया, वेद, पुराण, उपनिषद और सूत्र। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग और वंश मनवंतर वंशानुचरित ये किनसे संबंधित है, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये जो सब टर्म्स प्रयोग किए गए दोस्तों, ये पुराणों के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, पुराणों में इस प्रकार से क्लासिफिकेशन क्या आता है पुराणों का, पुराणों के अंतर्गत। तो ये होता है आपका सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, इसके संदर्भ में आप लोग एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, एक तरीका याद रख सकते हैं याद करने का। जनरली एक बार प्रश्न ये पूछता है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछता है कि वेद, ठीक है, संहिता, ठीक है, वेद संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, इनमें क्रम पूछता है, क्रोनोलॉजी कई बार पूछता है। तो क्रोनोलॉजी का आप लोग क्या याद कर सकते हैं, वी एस बाउप, वेद के बाद आता है आपका इस पर लिखी गई थी संहिताएं, संहिता के बाद आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद आपका उपनिषद, और उपनिषद के बाद आपका आता है पुराण। तो जो पुराण है उसी पुराण के संदर्भ में सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित शब्द का प्रयोग होता रहा है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इन सभी शब्दों का अर्थ समझाऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर इसका दिया गया है वहां पर इसके उत्तर लिखे हुए हैं। कह रहा कि जो सर्ग होता है उसका मतलब होता है जगत की रचना या सृष्टि शास्त्र, प्रतिसर्ग का मतलब होता है सृष्टि शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान, वंश मतलब देवताओं और राजाओं की जो वंशावली होती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, मनवंतर एक ब्रह्मांडी चक्र है, वंशानुचरिता मतलब चंद्रवंश सूर्यवंश जो राजाओं होते उनके वंशों का लेखा जोखा। तो जो पुराणों में जो कार्य किया गया है वो इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं विषयों पर पुराणों में काम किया गया। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरितम के संदर्भ में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को इसका अर्थ याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप लोग बस ये समझिएगा कि जो की टर्म्स है ये टर्म पुराणों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो दोस्तों हम लोग सामने है वो यूपीएससी का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, करके निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरो हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। दरअसल मॉडर्न इंडिया में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, समझिएगा फिर से प्रश्न को एक बार, करके किस विदेशी यात्री ने हीरो की, डायमंड की और उसके जो माइंस है, उसके जो खदान है उनकी चर्चा की है विस्तृत रूप से अपनी बुक में, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। चार विकल्प आप लोग सामने, फ्रांसवा बर्नियर, जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जा द थेवेनो और एबे बर्थेलेमी कारे। ठीक है, तो ये दो नाम तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, जिनको ऑप्शनल नहीं होगा उन्होंने तो नहीं सुना होगा, मैं ऐसे गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी दो नाम यहाँ पर दिए हैं, फ्रांसवा बर्नियर और जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जो ये एक प्रकार का फ्रांसीसी यात्री था, व्यापारी था, जब वह भारत आया हुआ था तो उसने एक अपनी बुक लिखी थी। ठीक है, द सिक्स वोयाज ऑफ द जॉन बैप्टिस्टा टेवर्नियर। ठीक है, जा बैप्टिस्टा टेवर्नियर की छह समुद्री यात्राओं उसके संदर्भ में जो उसने बुक लिखी थी, उसी बुक में उसने भारत में हीरो की खदान का पहली बार, ठीक है, एक लेखन में एक प्रारूप दर्ज किया था, इसलिए जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर का नाम यहाँ पर फेमस हो जाता है। ठीक है, तो जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर कौन था, एक फ्रांसीसी व्यापारी था, भारत आया था उसने, तो जब भारत आया तो उसने भारत में डायमंड के माइंस की चर्चा वहां पर की हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्न दोस्तों वो फिर से मॉडर्न इंडिया से प्रश्न आ चुका है, लेकिन ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित करिए। ठीक है, सूची एक में कुछ पत्रों के नाम दिया हुआ है, कुछ समाचार पत्रों के नाम दिया हुआ है, और सूची दो में उसकी भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि निम्नलिखित में से इनका मैच द कॉलम कैसे सही होगा। प्रश्न एक बार पढ़ते फिर हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन मेथड पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। कह रहा कि भारत मित्र एक पत्रिका है, एक है राष्ट्रमाता, एक है प्रजा मित्र और एक है नायक। ठीक है, ये चार पत्रिका यहाँ पर दी गई है। मैं लिटरली बताऊं तो मुझे प्रश्न पढ़ते समय इनके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और देखिए ये बात समझिएगा, ये जो दिमाग लगाने वाली बात है ना,
इसको हम लोग सामान्य भाषा में तुक्का लगाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये तुक्का लगाना नहीं है, ये आप अपने जो आपका जो चेतन अवचेतन मन है उसका आप प्रयोग कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं पर चीजों को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पर चीजों को सुना होगा, और उस आधार पर आप जब आंसर टिक करते हो उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना। अब समझिए कैसे। मैंने मेरे जो कॉलेज था, मैं आईटी धनबाद में पढ़ रहा था, तो मेरे एक प्रोफेसर थे सिविल इंजीनियर के, वो थे नायक सर, ठीक है। तो नायक वेस्ट बंगाल के थे, वो वेस्ट बंगाल में नायक टाइटिल होती है। तो नायक जो सर थे उससे मैंने सोचा कि नायक जो पत्रिका होगी वो कहाँ की हो सकती है, बंगाली भाषा में ये पत्रिका हो सकती है, इसलिए मैंने डी का फर्स्ट सोचा। अब डी का फर्स्ट देखो, ठीक है, आपका सिर्फ एक विकल्प यहां पर सही हो रहा है, सी वाला, ठीक है। अब समझिएगा, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि ये वास्तव में नायक टाइटिल कहाँ की होती है, क्या होता है, कौन होता है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है आपका एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करने का। हो सकता हो कि मैं जो आंसर टिक करता वो आंसर गलत हो सकता था, लेकिन इस तरीके को आप अगर अपने टेस्ट सीरीज में फॉलो करते हो, आने वाले पूरे एक साल में अगर अपने पूरे टेस्ट में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, एलिमिनेशन मेथड को यूज करने का ट्राई करते हो, मेहनत करते हो उस पर, तो मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से तुक्का लगा करके, तो आपके वहां पर जो नंबर आएंगे, जो मार्क्स आएंगे, वो पॉजिटिव में ही मार्क्स आएंगे, निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस से बनेगा चीजों को। तो हो सकता था मेरा आंसर यहाँ पर गलत हो सके तो अभी कोई कमेंट सेक्शन में बोले कि सर नहीं, आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट ही गलत था, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे 10 क्वेश्चन को तुक्का लगा के अप्रोच सही करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपके 10 में जो नंबर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव मार्क्स होंगे, ये बात श्योर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके पर कार्य करिए, आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए, जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसका प्रयोग हम लोगों को कैसे करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गेस करने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा। अगर मैं इन चारों पत्रिकाओं पर बात करूं, तो जो भारत मित्र पत्रिका है दोस्तों, वो हिंदी भाषा में लिखी एक पत्रिका थी, इसको बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनके द्वारा इसको लिखा गया, इनको शुरू किया गया था। आपका था राष्ट्रमाता पत्रिका, तो ये मराठी भाषा की एक पत्रिका है, ठीक है। गणपत सखाराम पाटिल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्रजा मित्र एक प्रकार गुजराती पत्रिका थी, चंद्रकांत केनी के द्वारा इनको शुरू किया गया था। और नायक पत्रिका है वो एक बंगाली पत्रिका है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चारों पत्रिकाओं अगर आप लोगों को पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है आप कुछ ऐसे मेथड्स का प्रयोग करिए, ठीक है। और अभी क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, अगर अभी आपके सामने कोई प्रश्न आता है आप जो भी तरीका लगा सकते हो लगा करके आंसर टिक करो, ठीक है। क्या पता आप आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलो, आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। तो लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, चीजों का प्रयोग करिए, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है इसको तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए कि चारों पत्रिकाएं कौन सी थी, किस भाषा में थी, कब शुरू किया गया था, कौन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐड करने चाहिए अपने नोटबुक। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चीजों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इस पीपीटी को मैं आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में, ठीक है, काकतीय राज्य यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों, कह रहे कि काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, ठीक है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये यूपीएससी 2017, ठीक है, 2017 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा कि काकती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण समुद्र पतन कौन सा था, चार विकल्प आपने सामने दिया गया है, एक है काकीनाडा, एक है मोटुपल्ली, एक है नेल्लूरू, एक है मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो जिनको जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा उनको आइडिया होगा कि जब 1289 में, 89 में जब मार्को पोलो भारत में आता है, ठीक है, तो मार्को पोलो अपनी बुक में यात्रा के दौरान मोटुपल्ली बंदरगाह का जिक्र करता, जो कि काकती राजवंशों की एक प्रमुख समुद्री पतन था, ठीक है। तो मार्को पोलो के द्वारा इसका वर्णन किया गया है कि काकती राजवंश में, ठीक है, काकती कौन थे, तो काकती 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था वारंगल, ठीक है, वारंगल इनकी राजधानी थी, काकती राजवंश उस टाइम पर था, जो हमारा आंध्र क्षेत्र है वर्तमान में, वहां पर ये शासन करते थे, और वहीं पर इनका एक प्रमुख बंदरगाह था, उसका नाम था मोटुपल्ली बंदरगाह, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, जो भी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को नहीं आइडिया है, नहीं याद है, आप लोग उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। अब समझिएगा अगला प्रश्न, ज्योग्राफी का बेसिक प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल को सामान्यतः लघु हिमनद, ठीक है, लिटिल आइस एज कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चार विकल्प यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को दोस्तों, 750 ईस्वी, 850 ईस्वी, 950 ईस्वी, सॉरी मतलब ये क्रम दिया गया है कि 750 से 850 ईस्वी,
ठीक है, 950 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1850 ईस्वी और 8000 ईस्वी से 10000 ईस्वी पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लिटिल आइस एज कहा जाता है दोस्तों, वो हम लोग ज्योग्राफी में 1650 से 1850 के एज पीरियड को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, लेकिन इस टाइम पर, ठीक है, टेम्परेचर जो था दोस्तों वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था, ठीक है, हिमनद का आकार बढ़ रहा था कई देशों में। इस कारण से इस पूरे पीरियड को हम लोग लघु हिम युग के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिटिल आइस एज के रूप में हम उसको जानते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 0.6 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हुआ था इस काल में, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, ये बात हम लोग को समस्या है, पता है, और इसी कारण से पेरिस में सम्मेलन होता है, कोपेनहेगन में सम्मेलन हो रहा है, हर जगह सम्मेलन के माध्यम से हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं लेकिन हम अभी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियोग्राफी का बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको उसका आइडिया मिल गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत पर फारसी आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। फारसी आक्रमण के बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि मौर्य युग के एकास्म स्तंभ फारसी कला से बहुत अधिक प्रभावित थे। फिर कह रहा कि फारसी भारत में शासकों के नाम और चित्र अंकित सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपको पता होगा, ठीक है, जो भीम कैडफिसियस था, ठीक है, जो कुषाण था, ठीक है, उसने सबसे पहले शासकों के नाम और उसके चित्र अंकित सिक्कों को जारी किया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो मौर्य युग के जो एकास्म स्तंभ थे वो फारसी कला से बहुत प्रभावित थे, तो ये बात सही है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो फारसी कला थी उससे मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये सब शैलियां प्रभावित हुई थी, और उसी प्रकार से मौर्य युग के जो आर्किटेक्चर था, जो एकास्म स्तंभ जो थे वो फारसी कला से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वो सही हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इंडो यूनानी, उन्होंने सबसे पहले सॉरी इंडो यूनानी ने सबसे पहले नाम के और चित्रल शासकों के चित्र के सिक्के जारी किए, तो उसके बाद जो गोल्ड क्वाइन था वो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। तो ये एक क्रम आप लोगों को हिस्ट्री में ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी जब आया था तो उसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी का अंकन किया था, चित्र का अंकन भी किया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे प्रश्न बनते रहता है, उन पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल की नहरें फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा है, फिरोज शाह के रजब वहा को पुनर्निर्मित करके बनाई गई थी, ठीक है। चार नहरों का नाम दिया हुआ है, सेखनुनी, साहब नहर, नहरे बहिश्त और नहरे आगरा। कह रहा कि इनमें से कौन सी ऐसी नहर है जिसको कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक की एक नहर थी रजब वहा, उसको पुनर्निर्मित करके बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है साहब नहर, ठीक है। जो साहब नहर है उसी नहर को ये फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक दरअसल जो था ना, उसने बहुत बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। उसने जलकर लगाया था, हासिले सर्ब नाम का, हके शर्ब नाम का एक जलकर लगाया हुआ था। उसने कई नहरों का निर्माण कराया था, उसने कृषि ऋण देने की व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है, ये सारी बात आप लोगों को पता होगा। तो फिरोज शाह तुगलक का जो रजब वहा था उसी टाइम, उसी के बाद, उसी को मुगल काल में पुनर्निर्मित किया गया और साहब नहर का निर्माण किया गया। जो साहब नहर है दोस्तों, ये सतलज नदी से झज्जर तक जाती है, करीब 150 मील लंबी ये नहर है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो। तुगलक वंश के संदर्भ में आपको दो तीन पॉइंट याद रखना चाहिए। जो तुगलक वंश था उसके जो तीन प्रमुख शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इन तीनों तुगलों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तीन तुगलकी फरमान भी दिया था जो कि बहुत खराब फरमान माने जाते हैं, ठीक है, जैसे राजधानी का ट्रांसफर करना, ठीक है, खरासिल का युद्ध लड़ना, सिक्कों को तांबे के सिक्के जारी करना। तो ये जो कुछ ऐसे फैसले थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे वो बहुत खराब फैसले थे। तुगलक वंश, आपका गुलाम खिलजी, सैयद लोधी, तुगलक, जो ये वंश पूरी सीरीज चलती है, इन सीरीज को याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने कई अन्य कार्य भी किए, जैसे आप यहाँ पर देखिए तो कुरान के द्वारा स्वीकृत इसने चार प्रकार के कर लगाए थे। कौन से कर लगाए थे दोस्तों? तो खराज, जकात, जजिया, खम्स, ये चार कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। इसके बाद इसे दारुल शिफा नाम का एक हॉस्पिटल भी बनवाया था, ठीक है। इसने दो महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, कौन सी बुक? तो तारीख ए फिरोजशाही बुक
और फतवा ए जहांगीरी बुक, ठीक है। तो ये दो बुक भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट में जो फैक्ट आप लोगों को नहीं पता होंगे उनको आप लोग शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है और मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे तो आप समझोगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से रामानंद के शिष्य थे, रैदास, कबीर, नरहरि और पीपा, ये चार विकल्प यहाँ पर आप लोग सामने दिया गया है। और कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो रामानंद कौन थे भाई, तो रामानंद जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद नहीं, तो प्रयागराज में जन्म हुआ था, और ये रामानुज के शिष्य थे, रामानुजाचार्य जो थे उनके शिष्य थे रामानंद, ठीक है। रामानंद के जो शिष्य थे वो बहुत फेमस शिष्य थे, कई सारे, जैसे कि कबीर हुए, रविदास हुए, सुरानंद हुए, सुखानंद हुए, धन्ना, नरहरि, पीपा, ये सारे जो थे ये सारे रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने पूरी भक्ति काल को इन्होंने बहुत तेजी से बढ़ाया था, देसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रामानंद के शिष्य में ये सभी नाम आते हैं शामिल, इनको आप ध्यान में रखिएगा। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद ये आप लोगों को शॉर्ट नोट्स है, इस प्रकार आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मेन चैनल पर पूरी पीपीटी, उसमें ये भी आप लोगों को शामिल रहेगा। लेकिन आप में से जो भी दोस्त इस क्लास को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे, ठीक है, हालांकि एक बात समझिएगा, अभी मुश्किल से 150 से 200 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो कि इस पूरी क्लास को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए हैं, समय बीतता जा रहा है, जो स्टार्ट नहीं करेगा वो पिछड़ते जा रहा है, जो स्टार्ट कर दिया वो बहुत आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया होगा वो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ अपने जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है हमारा वहां पर आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, वहां पर आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आप लोगों का शॉर्ट नोट्स देकर कुछ रिव्यू आप लोगों को दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न था महाजनपद के संदर्भ में, तो आप यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो भाई कि महाजनपद जो था दोस्तों वो 600 बीसी में हुआ था, पहली बात आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो। 16 महाजनपद थे, आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो। फिर मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था वहां पर कि राजधानी, महाजनपद वर्तमान में कहां पर स्थित है, वो टेबल मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा वो उस टेबल को बना सकते हो, जिनको आइडिया होगा वो टेबल मत बनाओ, वो बस यहाँ पर ऐसे नोट कर लो बाकी चीजों को, ठीक है। जैसे मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी, तो विराट नगर राजधानी है, राजस्थान में है, ठीक है। अशोक का बैराट शिला लेके यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है, एक पॉइंट ये आप ऐड कर सकते हो। फिर वैदिक काल की जो मुद्राएं थी उसमें निष्क जो कि गोल्ड कॉइन था, सतनाम, ऐसे कुछ कॉइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर पुराण, तो इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित जो की वर्ड्स है वो पुराण के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जब बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने सबसे पहले, ऐसा विदेशी था ये जिसने सबसे पहले हीरो की कथानों का वर्णन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो बुक है उसका क्या नाम है, द सिक्स वॉयज ऑफ द जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना नोट्स बनाओ, जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो डिस्कशन ग्रुप में बोलो, मैं वहां पर देखता हूँ, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगली क्लास में। अभी के लिए क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए था क्योंकि जो हमारी सैटरडे क्लास होने वाली थी वो क्लास चूंकि स्टूडियो का रिडेकोरेशन किया जा रहा था उसके कारण से नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्लास को प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्मेट बना लिया कि आप लोगों को ये क्लास टाइम पर मिल जाए। अगली जो क्लास होगी दोस्तों वो लाइव क्लास होगी, वो आप लोगों को प्रॉपर लाइव सर्वर पर मिलेगी, आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम लोग का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।